पानी का झरना देख सकते हो यार, कितना प्यारा लग रहा है। ओह गिर गया था है। और प्रो राइडर ने हेलमेट लगा लिया है। ये गुज्जे हट जा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोबारा हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं रिवाल सरवाल साइड। और देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी आ रहा है उस साइड से। और देखो यहाँ पे ना, मतलब कि बंदे रह नहीं, हाँ वो परे जैसे रहते हैं, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा खाड नहीं थी। नेर चौक जा रहे हैं हम इतने दिनों बाद। और ये गुज्जे हट जा। अरे R15 गई, अभी एग्जॉस्ट लगाया उसके ऊपर। ये देखो इसको ट्रक वालों को बता रहा है कि रास्ता ही नहीं है। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड हो जाएंगे रत्ती वाले रोड पे। यार रोड ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने बड़े बड़े खड्डे आ जा रहे हैं ना, देख के दिल को बुरा लग जाता है। हम भी छोटे देख सकते हो, प्रो राइडर जा रहा है आगे। और प्रो राइडर ने हेलमेट लगा लिया है, देख सकते हो इसको। रेस लगाने के मूड में था पर हम नहीं लगाएंगे, जाने देते हैं इसको। क्या याद रखे गए अभी। और देख सकते हो यहाँ पे नहाने के लिए है छोटी सी जगह। देख सकते हो यहाँ पे भी पहाड़ नीचे को आ रहे हैं, देख सकते हो इसको। ये तो बहुत प्रो बन रहा है इसको। रुको अभी बताता हूँ, देर को रुक जा। वो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली है। 5 किलोमीटर रहा रिवाल सर यहाँ से। क्या फ़ायदा हुआ बाइक धोने का, कल ही बाइक धोई थी। और आज ये सब देखना पड़ रहा है ज़िंदगी में, ये कितना ज़्यादा काम लगा है। यहाँ पे तो बुरी हालत है सड़कों की। अब इसके पीछे कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये तो बीच बीच में चला हुआ है बिल्कुल। अबे अबे कहाँ नाच रही है बाइक। पानी का झरना देख सकते हो यार, कितना प्यारा लग रहा है। देख सकते हो इसको ऐसे खड्डों में से बांट दे रहा है स्कूटी को। 5 किलोमीटर था रिवाल सर पर, 5 की जगह 10 बन चुका है ऐसे रोडों की वजह से। ऑफ रोड हो रहा है आज फिर से यार, हर ब्लॉग में ऑफ रोड हो ही जाता है। हम तो आपको ये बता रहे थे बने हुए हैं बारिश की वजह से। और अब भी बस लोकेशन भी देख रहे थे हम मैप पे कि सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से निकलने लगे हैं अभी हम लोग। और यहाँ पे रोड देख सकते हो इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या ही बताऊँ। शायो नारा आ रहा आ रहा। मौसम तो साफ़ हो गया इस साइड ना, पीछे जैसे था बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम, लग रहा बारिश हो ही जाएगी। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ गए नीचे को। 1 किलोमीटर रहा है यहाँ से रिपाल सर। बुद्ध जी की मूर्ति देख सकते हो, इतनी बड़ी मूर्ति है ना। और लेक भी उधर ही होगा, तो चलते हैं लेक के पास। हमारे पास तो लेक आएगा नहीं, इसको आगे देते हैं उन्हें। इसको राज को बताओ, मेरे को नहीं पता, मैं बहुत छोटा था तब आया था इधर, वो भी बार बार से देखा है इस मूर्ति को। अंदर तो कौन गया है, लेक के पास में नहीं गया हूँ मैं तो। और लेफ्ट साइड हो जाएंगे, पहुँच ही गए हम रिवालशरण में। और लेक है यहाँ पे तो आपको लेक भी बताएंगे। यार ये देख सकते हो यार, मेरे को इनकी यही चीज़ें बहुत सेक्सी लगती हैं वाली। ओह बदल गया था, ओह गिर गया था है। यहाँ पे लगाते हैं बाइक को। सो फाइनली रिवाल सर पहुँच चुके हैं हम लोग। रिवाल सर पहुँच चुके हैं हम लोग और ये लगाई है हमने अपनी बाइक और स्कूटी यहाँ पे। और ये रहा रिवाल सर लेक, पर बारिश की वजह से मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे लेक में। गाइस हम अंदर आ चुके हैं अब पार्क किया ना। और इस बत्तख ने इसके ऊपर हमला कर दिया था अभी। बोलती है कि कहाँ आ गया है, तो यहाँ से निकल जा पहली फुर्सत में। आज इनकी जांच करेंगे, बत्तख मेल है फीमेल है पता करना पड़ेगा। मेरे को लगता है वाइट वाली मेल है कि नहीं दूसरी फीमेल है, या फिर उल्टा समझ लो। देख सकते हो आप लोग, लेक पर पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मछलियाँ भी थी इधर पर, वो मछलियाँ नहीं दिखाई देंगी हमें अब। हम आए तो यहाँ पे मछलियाँ देखने के लिए थे, पर मछलियाँ ही दिख नहीं रही हैं। तो आप साइड व्यू देख सकते हो, और ऊपर बुद्ध जी की मूर्ति है। आज हम रिवाल सर को एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, रिवाल सर लेक को।
पता ही है सबको, तो भी हम एक्सप्लोर करने आए हैं। और ये सामने देख सकते हो छत के ऊपर कितनी चमक है, गोल्डन कलर किया हुआ है। तो गाइस हम आ चुके हैं सामने वाली रत्ना बोधी की मूर्ति, देख सकते हो ऊपर और इरा लेक। और हम थे उधर सामने, थे हम पारना उधर थे हम बिल्कुल सामने, उधर से आ गए इस साइड और दिखा दिया हमने आपको रिबालसर लेक और बुद्ध जी की मूर्ति। और ब्लॉग को करते हैं पे एंड, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग।